हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आज क्या बनाओ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स इन मखनी ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल ले लेते हैं, ये 2.5 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें कुछ सब्जियां जैसे कि गोभी, हरी ताजी मटर, गाजर और शिमला मिर्च डाल के इसको भूनना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अभी थोड़ा ही नमक डालना है सब्जियों के हिसाब से, ताकि नरम हो जाए। थोड़ा तीखेपन के लिए लाल मिर्ची पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और सब्जियों को 2-3 मिनट भून लेते हैं। सब्जियों को ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। बीच में चलाते हैं, एक एक दो बार चलाया है इसको। देखिए सब्जियां 50% तक डन हो गई हैं। इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स ये मखनी ग्रेवी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं मखनी ग्रेवी कैसे बनती है। इसमें आधा कप पानी डालते हैं और नमक टेस्ट के हिसाब से, पहले भी नमक हमने डाला है तो उस हिसाब से ही नमक डालें। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेते हैं। बीच में इसको दो बार चलाया है, ये देखिए सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे ये क्रीम, 2 चम्मच क्रीम डाल दिया है। क्रीम डाल के 1 मिनट और पका लिया है, सब्जी रेडी हो गई है। इसको निकाल के हरी धनिया से गार्निश करके सर्व करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, अपने कमेंट अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।